आप किसके पिताजी हैं? अभी आप जिलाधिकारी महोदय के यहाँ आए हैं, क्या प्रकरण है? प्रकरण उनका गलत तरीके से किया है, तभी जो इंडेक्ट कर रहा है दोपहर के 17 घंटे के बाद बजे पहले, अभी बाद में 11:30 बजे घटना लोग दिखा रहे हैं। किस तारीख को इनकाउंटर दिखाया जा रहा है? 3 नवंबर को। 3 नवंबर को, तो 3 नवंबर के पहले हरीश पासवान कहाँ थे? चले तो है यहाँ से दिल्ली के लिए। कहाँ से निकले हैं? सिवान से। सिवान से कितने बजे निकले हैं? सिवान आखिरी बात कब, आखिरी बार कब बात हुई थी हरीश पासवान से? 9:54। कितने तारीख को बात हुई थी? 2 तारीख को शाम को या सुबह को? 2 तारीख के, 2 तारीख के शाम को 6:54 पर बात हुई। उस समय हरीश पासवान कहाँ था? जिस समय बात आपसे हुई तो वो दिल्ली में था। इसके बाद से आपको कोई सूचना नहीं मिली? फिर आपको जानकारी कब हुई कि हरीश पासवान का एनकाउंटर हुआ है? कितने बजे? 11:00 बजे न्यूज में जब आ रहा है उसी समय, न्यूज समय उसके बाद ऐसा ऐसा काउंटर हो गया। हरीश पासवान तो जमानत पर थे, इस समय किस मुकदमे में वांछित थे? उसमें गिरफ्तारी नहीं हुई थी, फरार चल रहे थे। ये सिवान में कहाँ रहते थे? वही कभी कभी जाते थे सांसद अजय सिंह पास जाते होते थे। इस बात की जानकारी थी कि अजय सिंह के पास वो रहते थे, परिवार वालों को भी जानकारी थी, लेकिन किसी ने पुलिस को इत्तला नहीं किया। अब आपको ये कहना है कि जो एनकाउंटर हुआ है वो फर्जी हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कहता है? पता भाई तो 17 घंटा पहले मर चुके हैं, काउंटर दिखाया गया 11:00 जी। डॉक्टर के काम साहब गोली कहाँ कहाँ लगी थी? एक गोली लगी थी केवल यहाँ सटाक और वही मारा गया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी हमेशा माफिया, अपराधी और गलत लोगों को साथ कभी देने वाले नहीं। अपराधी और माफिया को समाजवादी पार्टी कहीं संरक्षण नहीं देती। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी माफिया के खिलाफ, मगर दुख ये इस बात का है कि यदि किसी कारणवश से यदि कोई भी व्यक्ति आपराधिक दुनिया में जा रहा है, किसी पर कुछ मुकदमा हो गया, तो उसको इनकाउंटर करने का अधिकार किसी को नहीं है। उसका अधिकार सीधे सीधे न्यायालय को, और न्यायालय कहता है कि ये दोषी है तो जो भी सज़ा दीजिए इनकाउंटर करिए, जो भी सज़ा देना हो आप दीजिए। मगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी की जो ठोको नीति है, इस नीति के तहत सीधे सीधे उसको गोली मारी जा रही है, उसको इनकाउंटर किया जा रहा है। और जो बड़े माफिया है, जो बड़े माफिया है उनके संरक्षण में पुष्पित और पलित हो रहे हैं जी। तो क्या माना जाए कि हरीश पासवान के साथ नाइंसाफी हुई? हरीश पासवान के साथ जो हुआ आप भी स्वयं देखे हैं, पूरा बलिया जनपद भी देखा है। वह अपने माँ को स्वयं वो बात किया था और इसके बाद घर वालों को पता नहीं चल पाया और इसके बाद बुला करके उसको इनकाउंटर कर दिया गया। जो कुछ भी हुआ वह सब आपके सामने जी। जिस कुछ लोग कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं उसमें राजनीति की से प्रेरित यह पूरा प्रकरण था, कहीं बड़ी बड़े चेहरों को छुपाने के लिए तो ऐसा नहीं किया गया कि हरीश पासवान को इनकाउंटर में मार गिराया गया, जब वहाँ परिजनों का भी ये आरोप है कि उसके साथ कोई मुठभेड़ नहीं हुई बल्कि उसे सटाकर गोली मारी गई थी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी से परिजन मिला जी, उसका सिर्फ ये मांग था कि सर हमको न्याय मिले,